ये घोड़े का ओनर हमारा अरबाब, इनके घोड़े का नाम है क्रूज। तो घोड़ी में बैठा हूँ और जो घोड़ा है वो दूसरा आदमी बैठा हुआ है। तो हमारे घोड़े आ गए काम खा कर, गैलप खा कर, और देखते हैं घोड़ा कैसा काम गया। और हमारे स्टाफ में एक और बंदा आ गया, चंदन सिंह, जो हमारे बड़े न्यू भाई साहब वो मेंबर सामने पुलिस इज स्टेशन वाले कमिंग। खड़े हैं। एक मेंबर बढ़ गया है, ये अपनी शादी करके आए हैं, तो इनसे थोड़े कोतली में बालो तो सामान दिन उगड़े निकालने में कठिनाई हो रही है। तो अभी हमारे घोड़े लोड हो रहे हैं। तो इसने ऐसे 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 एक जगह करते करते रह गया और वीडियो किया नहीं इसने। आज आपको कंप्लेंट हेलमेट के ऊपर लगा के रेस कोर्स का वीडियो देंगे और कैसे घोड़ा काम जैसा किया जाता है, कैसे गलत जाता है, वो भी आप सब देखा। तो कुवैत के अंदर ये एरिया दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा जो लेबर लोग रहते हैं ना वो रहते हैं इनके अंदर। यहाँ पर ज्यादातर अभी देख सकते हैं शाम का समय हो गया, तो लेबर काफी गाड़ियां वगैरह सब अपने इधर स्थान पर आकर खड़े हो गए। और यहाँ पर जो बद्दू कुवैती होते हैं, ठीक है ना, एक बद्दू बोलते हैं, बद्दू कुवैती उनको बोलते हैं जिनके पास में कुवैत की नागरिकता नहीं है और शरणार्थी के तौर पे यहाँ पर रहते हैं ना, वो लोग रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका ज्यादातर वो लोग ही रहते हैं। उनको क्या है कि यहाँ के गवर्नमेंट का कोई भी मतलब जैसे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, ठीक है ना, जो स्पेशल सुविधा मिलती है दूसरों को उस तरह की इनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। हर कोई भी डिस्काउंट वगैरह जैसे अपने को राशन वगैरह मिलता हो इनको नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब है प्रवासी की तरह, पर इनकी आईडी कुवैत की है और इनको यहाँ पर वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी शाम का समय हो गया और हम भी मसीला के करीब आ गए हैं। तो शाम के समय में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर गाड़ी भी चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी और अटैक स्पीड सबसे ज़्यादा चलाते हैं। और कुवैती लोग होते हैं ना वो ध्यान नहीं रखते हैं, एकदम गाड़ी आपके आगे डाल देगा, आप कुछ नहीं बोल सकते। और आपकी गाड़ी थोड़ी भी गलती से उसकी साइड वगैरह दब गई ना, तो हाथों हाथ आपको आपसे वो लड़ाई करना शुरू हो जाएगा। तो गाड़ी चलाते हो तो एकदम केयरफुली चलाएं। ये यहाँ पर कुवैत का जोकी है, जो हमारा एक घोड़ा, मैं वीडियो आप शायद देखा होगा, नहीं तो जाके अंदर देख लेना, आईकॉन में लिंक दे दूंगा। ये भाई बोल रहा है वो घोड़ा बहुत मुश्किल है, यानी वो घोड़ा लेके ज़्यादा भाग जाता है, बंदे को रुकता नहीं है। वो आज वो पूरा पूरा इतना घोड़ा कल लेके भागा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है, इसलिए आज वो घोड़ा नहीं बैठ रहा है। दूसरे बंदे को मेरे साथ में बैठाया, ठीक है। तो अटी अभी नटी यहाँ नटी से जाएंगे, नटी ये मसीला अटी रेस नटी कोर्स है, ठीक फाइव है ना, प्लेयर गले गले। तो यहाँ से एक्सम जाएंगे, एक्सम जाके काम देंगे। तो ये बोल रहा है एक्सम में जाके जाओ। तो यहाँ पर ये जॉकी है और आगे वो चल रहे हैं ना, वो एक हमारा बॉस है और एक ये घोड़े का जो मालिक है ना वो है। दोनों दो मालिक, एक पीछे घोड़ी आ रही, एक ये घोड़ी है और एक पीछे घोड़ा आ रहा है, इन दोनों का मालिक वो आगे जा रहे, ठीक है। एक एक तो इधर रुक गया, एक अब वो आगे जा रहा। तो उधर से हम जाएंगे ऊपर बैठ के दूरबीनी से देखते रहेंगे घोड़ा कैसा काम जा रहा है, क्या ऊपर बंदा क्या हरकत कर रहा है। छोड़ छोड़ और यहाँ पर घोड़े को काम देते हैं तो टाइमिंग में लेके आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इंडिया से कोई भी राइडर इधर आता है ना तो उसको टाइमिंग का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। इंडिया में इतना टाइमिंग का नॉलेज नहीं होता जो बंदे आते हैं, ठीक है ना, थोड़ी बहुत राइडिंग सीख जाते हैं और सीधा आ जाते हैं, बोले हम तो राइडर है। तो वो इधर चलने वाला नहीं है भाई, सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लेंगे एक्स में और चैन सिंह को बोलेंगे घोड़ा छोड़ दे। तो यहाँ पर पूरे नाइट में घोड़े काम करते हैं और पूरे स्टेडियम की तरह एकदम लाइट वगैरह लगी हुई है। तो आगे थोड़ी फिनिशिंग जगह पे लाइट नहीं है, तो अपना वीडियो कैसे आएगा वो पता नहीं। और यहाँ से एक्स में घुमा देते हैं और यहाँ से जाएंगे ट्रॉट और माइल से उठाएंगे इसको कैंटर, ठीक है ना। रेस कोर्स काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं क्लीन है पूरा पूरा, और यहाँ पर ग्रास वाला ग्राउंड नहीं है। और इधर साइड में वो सैक लोग है ना वो उधर बैठते हैं, और ये बीच में है गोल्फ कोर्स, और इधर साइड में ही है वो सामने वाली लाइट देख रहे हैं ना, उधर ये जंपिंग वाला कोर्स है। और यहाँ पर पोलो का तो अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है इतना, काफ़ी अच्छा मसीला रेस कोर्स काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। मतलब कुवैत के अंदर पूरे में देखोगे ना तो सबसे बेस्ट यहाँ पर मेरे को मसीला वाला लगा। यहाँ पर देख सकते हैं पानी भी चल रहा है,
फवारे, वाटर वाले फवारे चल रहे हैं, काफ़ी ठंडी हवा आती है। और जो कुवैती लोग होते हैं वो शाम को ही ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो शाम को ही घोड़ों को काम दिलवाते हैं। अभी यहाँ पर ट्रैक्टर चलाया हुआ है तो ज़्यादा घोड़ों ने काम खाए नहीं, तो अभी दूसरे घोड़े भी आएंगे इधर। ये घोड़ी आज पहली बार आई ना इधर, तो क्या घोड़ी थोड़ी डर रही है लाइटों से, क्योंकि उधर हमारे फार्म हाउस में ग्राउंड है नहीं, पाइप वगैरह लगे हुए हैं नहीं, ठीक है ना। तो घोड़ी इधर उधर साइडों में देखते हैं ना लाइट वगैरह, तो थोड़ी डरती है, पर घोड़ी का स्टेमिना भी अच्छा है। तो फ्रांस ही है आज, फुल गैलप है नहीं, नॉर्मल गैलप है। और दूसरी बार इसको फिर लेके आएंगे थोड़ा फास्ट गैलप देने के लिए। पीछे भी घोड़ा आ रहा है हमारा, और घोड़ी भी लेजी थोड़ी, गति बहुत ज़्यादा है, गाते रहा है इस वजह से, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा व्यू है जो वसीला रेस कोर्स का है, ठीक है। तो अपना गैलप क्लास हो गया है दोनों घोड़ों का, बंदा है इसको थोड़ा रिव्यू दे दिया भाई घोड़ा कैसे गया क्या है, ये भी पीछे से देख रहे थे जो कि भी इसके साथ में खड़ा था, दूर भी नहीं देखे। तो बोल रहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा गया गैलप घोड़ा, पहली बार आया लेना देखा बॉस के अंदर, और घोड़ी ना देखा जो ये जो वो मेरे पीछे हो से गया आ रहा था। तो ये थोड़ा घोड़ा लेजी है, ठीक है ना, बाकी घोड़ा ये घोड़ भी ठीक है, तगड़ा है, अच्छी ब्रीड घोड़ का की घोड़ा गाड़ी है। और वो हमारी आगे जा रही है, वो नूर है घोड़ी का नाम, नूर नाम तो बहुत तगड़ा है। वो चैन सिंह घोड़ी लेके नो घूम टाइट रहे है, भट साहब लेके घूम रहे है, जैसलमेर के हैं आपको पता ही होगा, ठीक है ना। उधर आतिश सिंह खड़े हैं, आतिश सिंह को भी आज लेके आए, एक बार आतिश सिंह को इधर लेके आया जिसको मुर्शद पिंचर हो गया था, और ये अपनी नूर है गलत खा के आई। और जैन सिंह ने क्या किया, जब रखा तंग बांधा ना, एक तंग का पट्टी खुला रह गया था, ज्यादा घोड़ी को भी मैं पुश नहीं किया क्योंकि तंग टूट जाता, बीच में गिर सकता था। घोड़े नई घोड़ी है इधर, डरती भी ज्यादा है, तो कहीं मार वगैरह ना ले ले। कैमरा वाला लाद रात लाइट हुए हाथी से टमाटर कार बना दिया है। तो ये है मसीला रेस कोर्स का पूरा पूरा व्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ से जाएंगे घोड़ों को करेंगे क्लीन, इसको नहलाएंगे, उधर ले जाके हमारे अंदर का स्टेबल है वहाँ पर लेके जाएंगे, इसको नहलाएंगे प्रॉपर तरीके से, और फिर लेके आएंगे वापस, ठीक है ना। तो ये सामने है, उधर जाते हैं फिर देखते हैं। तो अभी वापस जा रहे हैं, काफी नाइट हो गई है, और चलते चलते ये मसर का भाई है जो गाड़ी चला रहा है, वो तो वो बोल रहा है, वो एक वो गाना आया था ना, पतली पतली कमर, वो हाय 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 वाला, तो इसको थोड़ा पसंद है ज्यादा है, तो लगा के थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। दुनिया बोली हाय 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 आए हाय हाय आए हाय हाय तो हाथ धो नहा।